सुजानपुर देहात में वर्षों से राशन कार्ड के लिए पीड़ित युवक बच्चों के साथ लगा रहा आपूर्ति विभाग कार्यालय के चक्कर। पीड़ित युवक बच्चों के साथ पहुंचा संपूर्ण समाधान दिवस में आपूर्ति विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाह कार्यशैली की शिकायत करने। पीड़ित युवक का आरोप, रसूलाबाद के आपूर्ति कार्यालय में राशन कार्ड बनाने के नाम पर 1,000 रुपए की मांग की जा रही है। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी से शिकायत करने पहुंचे युवक को देखकर आपूर्ति सप्लाई इंस्पेक्टर ने युवक को रोककर राशन कार्ड बनाने का आश्वासन देकर 9-2-11 कर दिया। पीड़ित युवक के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप के बाद सप्लाई इंस्पेक्टर पूरे मामले पर पर्दा डालते नजर आए। पूरा मामला रसूलाबाद तहसील के डालचंद बिरहुन का बताया जा रहा है। आज शिकायत करने आए हो, क्या मामला था? मामला ये भूखे मर रहे, खाने के नहीं, हमारे राशन कार्ड कट गया, आज तक नहीं राशन कार्ड बना। हम कहते हैं राशन कार्ड बना दो बाबूजी, वो कहते खर्चा लगा, तो हम खर्चा कहाँ से दें? कौन खर्चा मांगता है? ये जो कार्यकर्ता लोग हैं, इंस्पेक्टर साहब बोले कि हम दिलाएंगे। अब 2 महीने में 12 किलो नाज पिया, हम बताओ बच्चे मैं कैसे जिए, का खाए? कब से हमारे पास जमीन भी नहीं है। कब से दौड़ रहे हैं? 10वां महीना से दौड़ रहे, 5 महीना हो गए। ऑनलाइन करा के कागज जमा ऑफिस नहीं करने गए थे? सब कुछ किया। तो वहाँ क्या कहा गया? बोले हो जाएगा, खर्चा लगेगा तभी होगा। तो हमारे पास है ना, भीख मांग के खा रहे, मेरे पास जमीन न जायदाद कुछ हो नहीं। और बारे बारे बच्चे हमारे घर से गुजर गए। कितना पैसा मांगा था? 1,000 रुपया कहीं लगते हैं कहीं, तो हमने 1,000 रुपया कहाँ से लाए? 1,000 रुपये आपके कहाँ पे मांगे गए थे? ये कार्यालय बोले थे राशन तुम्हारा तत्काल बन जाएगा, कुछ बोला और कुछ हमको, तो हमने कि कहाँ से हम लाए, तो हमारे पास है ही नहीं, भीख मांगते। कहाँ का कार्यालय है? रसूलाबाद का? यही रसूलाबाद है। तो आज आप शिकायत किया तो क्या आश्वासन दिया गया? ये कहो तुमको राशन मिलेगा, आपका पता नहीं कब मिलेगा, कोई पता नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।